विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिलने पर मांजरेकर ने जताई आपत्ति, इस कारण की आलोचना। पावर प्ले में 3 विकेट गंवाने के बावजूद भारत ने पहले 6 ओवर में 45 रन बनाए और इस दौरान कोहली ने 4 चौके जड़े। हालांकि कोहली ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर 4थे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी की और 14वें ओवर तक भारत का स्कोर 4 विकेट पर 106 रन करने में सफल रहे। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने हाल ही में संपन्न हुए T20 विश्व कप में अपनी फॉर्म हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 8 शतक जड़ा और टीम की जीत में अहम योगदान दिया। कोहली ने 59 गेंदों में 76 रन की पारी खेली, जिस कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार से नवाजा गया। हालांकि पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कोहली की पारी से ज़्यादा खुश नहीं दिखे और उन्होंने स्ट्राइक रेट पर सवाल खड़े किए। एक स्पोर्ट्स चैनल से बात करते हुए मांजरेकर ने कहा कि कोहली की पारी धीमी थी, जिस कारण भारत के इनफॉर्म मध्यक्रम के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को सिर्फ 2 गेंद खेलने को मिली। मांजरेकर ने कहा, उस पारी के चलते हार्दिक पांड्या को सिर्फ 2 गेंद खेलने का मौका मिला। मुझे लगता है कि भारत की बल्लेबाजी अच्छी थी, लेकिन कोहली की उस पारी के कारण भारत संकट की स्थिति में आ गया था। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मांजरेकर ने कहा कि अगर डेथ ओवर में गेंदबाज दमदार प्रदर्शन नहीं करते तो भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबला हार गया था, क्योंकि हेनरी क्लासन के 23 गेंदों में 8 शतक लगाने के बाद मैच का रुख 90% तक दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में चला गया था। मांजरेकर का मानना है कि कोहली की जगह किसी गेंदबाज को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार देना चाहिए था। मांजरेकर ने कहा, भारत हार की कगार पर था और दक्षिण अफ्रीका को जीत की उम्मीद 90% तक पहुंच गई थी। कोहली ने उस मैच में 128 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। मेरे लिए गेंदबाज प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार के लिए उपयुक्त विकल्प होते, क्योंकि इन्होंने ही भारत के पक्ष में मैच को बदला और टीम को जीत दिलाई। दोस्तों, फाइनल मैच में इंडिया टीम के किस प्लेयर को मिलना चाहिए था प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।